यो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लूज़ और ट्रांसिल्वानिया के बीच में होने वाले आज के ECS रोमानिया T10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों रोमानिया T10 का मैच नंबर 18 खेला जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। बात करेंगे दोस्तों हर एक प्लेयर के बारे में, हर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में रखना है। बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में दोस्तों, जिसे आपको अपनी टीम में करके चलना है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो चीज़ों को समझोगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मैच के बारे में। तो दोस्तों मैच नंबर 18 इस ECS रोमानिया T10 का खेला जाएगा CLJ और TRA के बीच में, ठीक है। 3:45 में मैच स्टार्ट होगा दोस्तों, और वेदर की बात करें तो रेन के चांस यहां पे नहीं है। वेन्यू रहेगा मुआरा क्रिकेट ग्राउंड कोंटी बुचारेस्ट का, और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो टोटल 15 मैच वेन्यू पर खेले गए हैं। लास्ट बैटिंग फर्स्ट ने 6 मैच विन किया है, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने 8 मैच विन किया है, और दोस्तों एक मैच यहाँ पर जो था वो टाई हुआ है, ठीक है। एवरेज स्कोर आपको 100 से 120 के बीच में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं टीम CLJ मतलब क्लूज़ के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों इनकी टीम से ओपन करेंगे तरनजीत सिंह, और उनके साथ दोस्तों स्वात्विक नादी गोटला दोनों ओपन करने के लिए आएंगे। तरनजीत सिंह एक हार्ड हिटर बैट्समैन है दोस्तों, साथ ही 2 ओवर की बॉलिंग भी आपको करा करके दे सकता है ये, तो बिल्कुल इसको लेना। काफ़ी अच्छा प्लेयर है, T20I भी खेलकर आया है दोस्तों। 19 मैच में T20I के 704 रन है, 26 विकेट है दोस्तों। ओवरऑल बेहतरीन प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन का प्रबल दावेदार रहेगा, ठीक है। सात्विक नादी गोटला है, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेगा आपको। T10 के दोस्तों 51 मैच में 583 रन, 12 का एवरेज है। ओवरऑल एक अच्छा प्लेयर है, बिल्कुल टीम में लेकर के चलना है, ठीक है। शिव कुमार पेरियाल वार हैं, जो कि T10 के 41 मैच में 575 रन 18 का एवरेज रखते हैं। ये प्लेयर भी ओवरऑल अच्छा है दोस्तों, बिल्कुल अगर खेलेगा तो आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते दिखेगा, बिल्कुल टीम में लेकर के चलना है इसको दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आएंगे वासु सैनी, ये प्लेयर भी काफ़ी बढ़िया है। T10 के दोस्तों 59 मैच में दोस्तों 817 रन, 20 का एवरेज, 43 विकेट, 96 ओवर डाल के। T20 इंटरनेशनल के 23 मैच में दोस्तों 366 रन है, 30 का एवरेज, 18 विकेट, 70 ओवर डाल के। तो दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा, साथ ही दोस्तों बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन देगा। CVC का प्रबल दावेदार रहने वाला है ये प्लेयर भी, ठीक है। तो वासु सैनी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद दोस्तों नवीन चंडूपा हैं, राइट एम मीडियम फास्ट बॉलिंग करता है। T20 के दोस्तों 2 मैच में 0 विकेट है, 2 ओवर डाल के। खेलेगा तो आपके लिए 1 से 2 ओवर की बॉलिंग कराता हुआ दिख सकता है दोस्तों, लेकिन इसको ग्रैंड लीग में ज़्यादा ट्राई करना, स्मॉल लीग के लिए थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। पीटर सनाका है दोस्तों, T20 के 1 मैच में डिड नॉट बैट रहा है, ड्रॉप करके चलिएगा, चांस बहुत कम मिल सकता है इसको। रजित परेरा है दोस्तों, ओवरऑल 18 मैच में 193 रन, 30 विकेट इसके नाम है, 64 ओवर डाल के। खेलेगा तो 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल कराएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकर के चलना टीम में, ठीक है। रविंद्र अट्ठापट्टू है दोस्तों, T10 के 25 मैच में 18 विकेट इसके नाम है, 40 ओवर डाल के। खेलेगा तो 2 ओवर की बॉलिंग कराता हुआ दिखेगा, इंपॉर्टेंट पिक है, बिल्कुल खेलता है तो आप टीम में लेकर के चलना। उसके बाद दोस्तों इमासा सानिजू हैं, T20 के 1 मैच में 0 विकेट, 2 ओवर डाल के, ठीक है। ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों, लेकिन ग्रैंड लीग में दोस्तों इसको ड्रॉप मत करना, ठीक है, स्मॉल लीग में कर सकते हो। राणा सिंगे अराचिगे हैं, T10 के दोस्तों 5 मैच में 4 विकेट, 6 ओवर डाल के, तो 2 ओवर की बॉलिंग कर सकता है। खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकर के चल सकते हो। अभी के लिए दोस्तों आप यहां से पिक कर सकते हैं तरनजीत सिंह को, सात्विक नादी गोटला, शिव कुमार, वासु सैनी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों नीचे से आप रजत परेरा को लेकर के चल सकते हो, रविंद्र अट्टापट्टू को, और यहाँ से दोस्तों राणा सिंगे को अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो। बाकी इनके बेंच के प्लेयर्स में देखिए, निशांत देवरे हैं, ये भी ठीक ठाक प्लेयर है। गौरव मिश्रा भी काफ़ी अच्छा प्लेयर है दोस्तों, खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकर के चल सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग कवर की बात करें तो राणा सिंगे अरसिंगे, और यहाँ पर दोस्तों गौरव मिश्रा आपको स्टार्टिंग कवर में बॉलिंग करते दिखेंगे। डेथ के ओवर्स में दोस्तों तरनजीत सिंह, वासु सैनी आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं टीम TRA के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों टीम TRA की तरफ से ओपन करेंगे पप्पू सुनार है, और उनके साथ दोस्तों आकाश काका, मोस्ट प्रोबेबली दोनों ओपन करने चाहिए। पप्पू सुनार भी एक अच्छा प्लेयर है दोस्तों, अभी तक दोस्तों 1 38 और 17 रन की इनिंग खेल के आया है, मतलब 2 इनिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इसका, लेकर के चलना, ओवरऑल एक अच्छा प्लेयर, ठीक है। आकाश काका है दोस्तों, ओवरऑल
59 मैचेस में 1336 रन, 27 का एवरेज है, 22 विकेट इसके नाम है। लास्ट मैच में 37 रन किया था, काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, बिल्कुल टीम में लेकर के चल रहा है। अर्जुन अपारी 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, साथ ही दोस्तों 1 ओवर बैटिंग तो इंपॉर्टेंट होता है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन ये दे सकता है। उसके बाद दोस्तों इरफान वारसी हैं, लास्ट के 2 मैच खेले दोस्तों। फर्स्ट मैच जब इसने खेला उसमें तो फ्लॉप रहा था, 0 विकेट 0 रन्स, ठीक है, 2 ओवर भी डाला था, लेकिन उसके बाद दोस्तों 26 नॉट आउट, 2 विकेट 2 ओवर डाल के, तो ओवरऑल एक अच्छा प्लेयर है इरफान वारसी भी, बिल्कुल टीम में लेकर के चल सकते हैं उसको। उसके बाद दोस्तों शरद किशोर हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेगा आपको, 12, 23 और 4 रन की इनिंग खेल करके आया है, ठीक है, ठीक ठाक सा प्लेयर है, लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो। रोब लेबर हैं दोस्तों, अभी तक 3 मैचेस में 1 ही विकेट इसको मिला है, हर हर मैच में दोस्तों 2 ओवर की बॉलिंग करा रहा है, लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो। केशव पांड्या हैं, ये प्लेयर काफ़ी शानदार है दोस्तों, 3 मैच खेला, 3ों में नॉट आउट रहा, हालांकि दोस्तों 1 मैच में 6 नॉट आउट, 26 नॉट आउट, 6 नॉट आउट रहा है, लेकिन इसका बैटिंग आया तो काफ़ी अच्छा है, बैटिंग कर सकता है और स्कोरिंग कर सकता है दोस्तों, ठीक है, तो लेना लेना आपके ऊपर डिपेंड करेगा इसको, बाकी ओवरऑल एक अच्छा प्लेयर है। लक्ष्मण पांडे हैं, 2 ओवर की बॉलिंग कराता है, इंपॉर्टेंट प्लेयर, अभी तक दोस्तों 3 मैच में 3 विकेट इसके नाम है। फर्स्ट मैच में ही थोड़ा सा फ्लॉप रहा था, उसके बाद दोस्तों इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है दोस्तों, ठीक है, तो टीम में लेना चाहो तो बिल्कुल लेकर के चल सकते हो। स्पाइक 17 है, ड्रॉप करके चलिएगा। मोहित बंसल को अभी तक 1 भी विकेट नहीं मिला है, हर मैच में 2 ओवर की बॉलिंग करा है, ठीक है, शायद इस मैच में इनको टीम चांस दे कि नहीं दे, लेकिन दोस्तों अगर देती है तो बिल्कुल ग्रैंड लीग में पिक करना है इसको, आपके लिए ट्रम्प रहेगा प्लेयर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों महेश वधवानी है, ओवरऑल रिकॉर्ड तो अच्छा है लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया है दोस्तों, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छा प्लेयर है, अभी के लिए आप यहाँ से पिक करके चल सकते हो। पप्पू सुनार को, आकाश काका, अर्जुन अपारी, इरफान वारसी को, और नीचे से दोस्तों आप लेना चाहो तो यहाँ से रोब लेबर और लक्ष्मण पांडे को टीम में लेकर के चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। मोहित बंसल को ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करना, बाकी इनके बेंच के प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी खेले तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर बात करें स्टार्टिंग ओवर की तो लक्ष्मण पांडे, मोहित बंसल, डेथ ओवर्स में दोस्तों इरफान वारसी, रोब लेबर और लक्ष्मण पांडे आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करते हैं एक डेमो टीम की। तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से नादी गोटला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर के चलना, एस किशोर को भी लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको इधर के प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा। बाकी बैटिंग सेक्शन से तो एक आका इंपॉर्टेंट है और पेरियाल वार इंपॉर्टेंट है, एल पांडे इंपॉर्टेंट है, तो इन प्लेयर्स को मैं अपनी टीम में लेकर के चलूँगा। पी सुनार का भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आ रहा है दोस्तों, लेकिन अभी के लिए मैं इनके लिए वेट किया हूँ, मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आता हूँ। वीर सैनी इंपॉर्टेंट यहाँ से, तरनजीत सिंह, ठीक है, तो दोनों प्लेयर को लेकर के चल रहा हूँ यहाँ से दोस्तों। अब पारी इंपॉर्टेंट है तो पारी को, और आई वारसी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्लेयर को मैं अपनी टीम में लेकर के चल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। बाकी जी सिंह का भी रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन लास्ट मैच में इनको मौका नहीं दिया गया। अटापट्टू अगर खेलेगा तो बिल्कुल इसको लेकर के चलना। परेरा भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों, 2 ओवर की बॉलिंग भी करा सकता है, तो इसको भी अपनी टीम में अभी करके लेकर के चल रहा हूँ। अब बॉलिंग सेक्शन से देखें तो रविंद्रन को अपनी टीम में लेकर के चल रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है, इसको लेकर के चल सकते हो। या फिर दोस्तों यहाँ से गौरव मिश्रा खेलता है तो बिल्कुल इसको लेकर चलना, आर लोबर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी डेमो टीम बन गई है, और डेमो टीम में दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन टी सिंह है कैप्टन, और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर आप दे सकते हो आई वारसी को, ठीक है, या फिर दोस्तों वीर सैनी को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो। बाकी फाइनल टीम, फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।